हमारे गांव में समय से आज ना कोई के आवास मिलल बा, ना बुढ़ापा पेंशन मिलल बा, ना कोई चकलाली निकल बा, ना कहीं दुकान ना हो जे रोड रोड कहीं नाला साला कुछ नहीं है। ये गांव में हर चीज हुई के परेशानी बा, खरवार टोला में हर चीज हुई के परेशानी बा। इस खबर के प्रायोजक हैं एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स। पूर्वांचल के प्रसिद्ध ज्वेलर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में पहली बार लेकर आ रहे हैं विशेष गहनों की सौगात। प्रदर्शनी एवं बिक्री दिनांक 6, 7 और 8 मार्च 2021, समय सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। पता होटल ग्रैंड एसआर राहुल नगर मंडिया आजमगढ़। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामेतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम। प्रधान जी, जी हाँ, पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। सब क्षेत्रीय नेता चुनाव मैदान में आ चुके हैं। खैर, हम बात करेंगे प्रधानी चुनाव को लेकर। नमस्कार, मैं हूँ सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज कुशीनगर। इस वक्त हम मौजूद हैं दुदही ब्लॉक के गुरवलिया ग्राम सभा में। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में कितना हुआ है गांव का विकास। चूँकि साथ ही प्रधानी चुनाव के साथ साथ क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव होना है, चूँकि मतदाता भी इस समय चौकन्ना है। तो आइए हम उसी मतदाता से जानने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में कितना हुआ है गाँव का विकास। इसी को लेके आइए हम चलते हैं सीधे जनता के बीच। में क्या समस्या है? हमारे गांव में समस्या है, ना कोई के आवास मिलल बा, ना बुढ़ापा पेंशन मिलल बा, ना कोई चकलाली निकल बा, ना कहीं दुकान ना हो जे रोड रोड कहीं नाला साला कुछ नहीं है। ये गांव में हर चीज हुई के परेशानी बा, खरवार टोला में हर चीज हुई के परेशानी बा। ये प्रत्याशी क्यों नहीं क्या कुछ कर रहा था? कैसा प्रत्याशी आप लोग? ये चाहे हमने कि सब चाहिए, सब समान हो जाए के चाहिए। पढ़ा लिखा है अनपढ़ का कोई बात नहीं, जैसे जो पढ़ा लिखा हो वो भी करे, या चाहे जे भी मतलब हमने के गांव का रक्षा करे, वही प्रत्याशी चाहिए। हमारा कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये जो कोई प्रधान भी पहले था वो कुछ नहीं किया। इस टाइम चाहिए ग्रेजुएट पढ़ा लिखा है जो करे, विकास के लिए बढ़ावे, नाली नुली घर का बनावे। आपके गाँव में समस्या क्या है? समस्या हमारे यहाँ ठीक नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिला तो हमको क्या है? 5 सालों में क्या विकास? कोई विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ, खाली शौचालय तो बना है, शौचालय के सिवा कोई नया काम नहीं हुआ है। तो कैसा इस बार प्रत्याशी चुनेंगे? पढ़ा लिखा चाहिए, जो भी हो शिक्षित होना चाहिए। विकास जब आने के बाद में क्या करेंगे वही नहीं जानते हैं, विकास से मांगने से क्या देंगे वही नहीं जानते हैं, हमें क्या मालूम है। जब मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या हमारे यहाँ की कोई चक्रोड रोड कोई भी नहीं बना है, ना कोई यहाँ सुनवाई करने वाले आदमी है। कोई समस्या ले जाके जाते हैं वो भी आदमी कोई नहीं सुनवाई करता है, हैं? और कोई मजबूर है, कोई गरीब है, उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, हैं? कोई समस्या भी पड़े जाने पर आदमी लोग कह देते हैं चलो हो जाएगा, है ना, जाने पर यही बात होती है, हैं? देखा जाएगा, चलो कल आना या परसों बना। यहाँ 5 सालों में क्या विकास हुआ है? 5 साल में सिर्फ शौचालय के अलावा कुछ नहीं बना है, ना कोई रोड बना है, ना कोई नाला बना है, ना ही कोई किसी का देखभाल हुआ है, ना कोई कुछ नहीं आता है, नहीं, ना किसी गरीब मजदूर को कोई कार्ड समस्या टाइम बांधने पर कोई कार्ड समस्या हल होता है, है ना। अच्छा, इस बार आप कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? हम इस पर सोच रहे हैं जो हम ऐसा चुने हैं जो हमारे लायक हो, हैं, हमारे लायक हो, हमारी बात को सुने, हैं, पढ़ा लिखा वो रिजोर्ट हो, हैं, 10 आदमी बात कहीं किसी के सामने जाने की बात बात कर सके, हैं, होगा नहीं। हम तो सोच रहे हैं जो कोई पढ़ा लिखा प्रधान हो, हैं, अपना गांव का कुछ विकास करें, हैं, कोई हम लोग गरीबों के साथ दें। मुख्य समस्या है रास्ता शुद्ध नहीं है, हैंडपाइप का पानी का निकास नहीं है, इससे गांव में कचरा बना रहता है। 5 सालों में क्या विकास हुआ है आपके गांव में? 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है, गांव में थोड़ा सा इंटरलॉकिंग हुआ है, बाकी काम सब पड़ा हुआ है। इस बार चुनाव में किस तरह के प्रत्याशियों का चयन होगा? इसमें
अच्छा प्रत्याशी चाहिए जो गांव का विकास करावे। मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले तो सोनू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हर जगह गांव की समस्याओं को उजागर करते हैं, जिसका समाधान आने वाले प्रधान करें या जो प्रधान वर्तमान में रहते हैं वो करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ लगभग 10 साल हो गया पानी की टंकी बनके तैयार हुआ, लेकिन उसकी सप्लाई जो है जन जन तक नहीं पहुँच पा रही है, किसी भी घर में सप्लाई नहीं है। तो हमारी यही है सोच कि पहले वो पानी की टंकी की चालू करवाएंगे, हर घर में सप्लाई देंगे, जिससे हमारे गांव के लोग अच्छा से पानी यूज कर सकें। और दूसरे हमारे यहाँ जो भी जच्चा बच्चा केंद्र है अभी, उसकी हालत बहुत ही जर्जर है, जहाँ की कोई भी प्राथमिक उपचार नहीं हो पाता है, उसको सही करवाना है, ताकि गांव के जो लोग हैं जो बाहर दवा कराने जा रहे हैं वहाँ फर्स्ट प्राइज उनका दवा में हो जाए, उसके बाद कहीं जाए। और गांव में नाली की समस्या बहुत है, खड़ंजे की समस्या है, उस समस्या का समाधान होगा। आगे की रणनीति यही है कि गांव का विकास हो। हमारे चुनाव जीतने पूर्व में जो प्रधान थे उन्होंने 5 सालों में क्या गांव में विकास किया है? जितना उनके समझ में आया उतना तो विकास किए हैं, कहीं चक्रोड, कहीं नाली, कहीं खड़ंजा आदि का निर्माण कराए हैं, कुछ आवास भी दिए हैं लोगों को, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास समय कम था जो कि नहीं दे पाए, उस चीज़ को मैं पूरा करूंगा। गांव की जनता प्रत्याशी जो पढ़ा लिखा हो, गांव का विकास कर सके, उसी प्रकार का जनता जो है चुनाव करेगी प्रत्याशी का। मैं इस मुद्दे को लेकर आया हूं कि आज आज़ादी के इतने सालों के बाद से हमारी ग्राम सभा में कई ग्राम प्रधान हुए, बाकी आज तक जितने भी सरकारी योजनाएं आए ग्राम प्रधानों तक पहुंचा, उसका आज तक नतीजा ये देखने को मिला कि हर धन का बंदरबाट हुआ है, यहाँ खिलवाड़ हुआ है, लोगों के साथ जो है कि धोखा हुआ है। तो मैं यह जो है कि इस सारे चीज़ों समस्याओं से मैं देखा, अवगत हुआ, लोगों से मिल करके यह राय जाना कि इतनी सारी दिक्कत हमारे ग्राम सभाओं में है। तो मैंने देखा कि क्यों न ग्राम सभा में आकर के ग्राम सभाओं को जो है कि सेवा किया जाए। जैसे कि समस्याएं मैंने लोगों के बीच में जा करके देखा, तो लोग समस्या नाली का, चक्रोड का, राशन कार्ड का, बिजली का, पानी का, जच्चा बच्चा सेंटर, NM केंद्र का व्यवस्थाओं को मैंने देखा, तो मुझे काफ़ी देखने के बाद जो है कि दुख हुआ कि इतनी सरकार की व्यवस्था होने के बाद भी आज जो है कि धरातल पर जो है कि व्यवस्था टूटी फड़ी पड़ी है, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। तो उसको देखते हुए जो है कि मैं समाज में सेवा करने के लिए आया। मैं देखा कि आज तक हमारा ग्राम सभा हमेशा उपेक्षित रहा है, इसको लोगों की बहुत बड़ी एक आशा है। जैसे लोग ने जो है कि चुनाव करते हैं ग्राम प्रधान जो है कि समस्याओं को सुनता है, उसके बाद से सुन करके लोगों को जो है कि बातों को प्रधान बनने के बाद जो है कि मुकर जाता है। जनता को आपको अपना वोट, कीमती वोट देके आपको विजयी बनाती है, तो सबसे पहले आपका प्राथमिकता क्या रहेगा गांव? मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि सर्वे सर्वा मालिक हमारी जनता है, जनता के आशीर्वाद से ही जो है कि ग्राम प्रधान चुना जाता है। मान के चलिए कि आप जो है कि एक राजा होता है, राजा की काम होता है सेवा करना, प्रजा की रक्षा करना, उनकी दिन दुखों में सेवा करना, हमेशा तत्पर रहना, ये सेवा होता है एक राजा का। उसी प्रकार ठीक जो है कि बड़ी उम्मीद से जो है कि लोग जो है कि प्रधान का चुनाव करते हैं, तो प्रधान भी जो है कि उन बातों को, उन चीज़ों को, समस्याओं को देख करके उनकी कायाकल्प, उनकी समस्याओं को कायाकल्प को सुधार करने की काम करें। सबसे पहले तो आपको सुनो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हर ग्राम सभा का मुद्दा उठा रहे हैं और गुरोलिया का भी मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे तरफ से गुरोलिया ग्राम सभा का जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं धरातल पर जमीन पर उतारना है, जैसे पानी का हो, शौचालय का हो, नाली का हो, बिजली का हो, चाहे जो भी व्यवस्था गवर्नमेंट का आती है, चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, उसको धरातल पर उतार के पात्र लोगों को जिनकी आवश्यकता है उनके जगह पर सही से उसको प्रदान कराया जाए, मुहैया कराया जाए। पहले के ज़माने में शिक्षा का अभाव था, अब समय बदल गया है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, चाहे छोटी जात की हो चाहे बड़ी जात की हो, सारे लोग पढ़ाई करते हैं, सब लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अब बहुत ऐसे कम लोग मिलते हैं जो अनपढ़ लोग प्रधान बनते हैं, अब सब लोग पढ़े लिखे हैं। आज के ज़माने में जनता होशियार हो गई है, वो पढ़े लिखे शिक्षित को ही चुनाव करेंगे।
मेरा गांव का चौमुखी विकास कराना है। जो भी समस्या है, हर बहुत समस्याएं हैं, जैसे रास्ता हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया और शौचालय हो गया, पेंशन हो गया, बहुत समस्या है जो जमीन पलाना है। कि आपने देखा कि लोगों से हमने जानने की कोशिश किया कि 5 साल में गांव में कितना हुआ है विकास, तो उन्होंने बताया कि 5 साल में सिर्फ शौचालय को छोड़ के हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है जिससे हम लोगों को बता सके, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं थी वो धरातल पे तो नहीं पहुंची, यही वहां के स्थानीय लोगों ने बताया। और भी हम गांव के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और आप देखते रहिए हमारे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ सोनू कुमार गुप्ता। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।